प्रधानमंत्री शेख हसीना कई सब बनी बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी यानी कि बीएनपी की बेगम खालिदा जिया से चुनाव हार गईं। राजनीतिक परिवारों की वारिस ये दोनों महिलाएं 3 दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति पर हावी रहीं। इन्हें बैटलिंग बेगम भी कहा जाता है। हसीना साल 2009 में फिर से सत्ता में लौटी। ये चुनाव कार्यवाहक सरकार की निगरानी में हुए थे। वो कई बार जेल में रही हैं और अपने जीवन पर हुए कई हमलों से जिंदा बच निकली। साल 2004 में हुए एक हमले में उनके सुनने की क्षमता को नुकसान हुआ। उन्हें देश से बाहर निकालने के प्रयास भी हुए और वो भ्रष्टाचार के आरोपों में कई मुकदमों में भी फंसी रही। सत्ता संभालने के बाद से ही शेख हसीना के सामने आया सबसे गंभीर संकट ताजा विरोध प्रदर्शन ही है। ये प्रदर्शन बेहद विवादित चुनाव नतीजों के बाद हुए हैं। विवादित आम चुनावों में लगातार चौथी बार उनकी पार्टी को चुन लिया गया। इस्तीफा देने की बढ़ती मांगों के बीच शेख हसीना डटी हुई थी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कहकर भी उनकी आलोचना की। उन्होंने इन प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटने के लिए समर्थन भी मांगा था। ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग से शुरू हुए थे, लेकिन ये व्यापक सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि प्रदर्शनों में कई लोगों की जान गई है, हजारों को गिरफ्तार किया गया था और अब शेख हसीना देश छोड़कर निकल चुकी हैं।